दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप स्टॉक्स के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे अप स्टॉक्स का अकाउंट ओपनिंग चार्जेस क्या है और अप स्टॉक्स का जो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है वो क्या है। और दोस्तों इन फ्यूचर यदि आपको अप स्टॉक्स का जो अकाउंट है उसको डीएक्टिवेट यानी आपको क्लोज करने की ज़रूरत है तो किस प्रकार से आप इस अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इन सारे सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो बने रहेगा इस वीडियो में एंड तक। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज आपको इसी तरह के यूनिक कंटेंट हमारे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं अप स्टॉक्स के अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में। दोस्तों कुछ टाइम पहले अप स्टॉक्स का जो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस था वो बिल्कुल नील था, यानी आप फ्री में इसमें अकाउंट ओपन कर सकते थे। लेकिन दोस्तों अब आपको यहाँ पे इसका जो चार्जेस है वो 99 प्लस जीएसटी कर दिया गया है, यानी आप जब भी आप जो अप स्टॉक्स का अकाउंट ओपन करोगे तो आपको 99 प्लस जीएसटी है वो पे करना पड़ेगा। समथिंग आपको 116 रुपये का जो चार्जेस है वो पे करना पड़ेगा यदि आप इसमें अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। तो दोस्तों इसका जो चार्जेस है वो आप किसी भी माध्यम से पे कर सकते हो, जैसे आप डेबिट कार्ड से, यूपीआई से, नेट बैंकिंग से, आप इनके माध्यम से आप जो इसका चार्जेस है वो पे कर सकते हो और आप इसका अकाउंट ओपन कर सकते हो। रही बात दोस्तों इसमें रेफर एंड अर्न की, तो दोस्तों रेफर एंड अर्न में इसमें पहले 500 रुपये मिलता था, उसके बाद में इसमें वापस 300 रुपये किया गया, और वापस इसमें दोस्तों जब 99 किया गया इसका जो चार्जेस तो वापस 500 किया गया। लेकिन दोस्तों आज की डेट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज वापस इसका जो रेफर एंड अर्न जो बैलेंस है वो वापस 300 रुपये कर दिया गया, यानी आप पर रेफर अब आप 300 रुपये इसका अकाउंट जो इसका रेफर करके आप अर्न कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें बात करते हैं इसका जो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है वो क्या है। दोस्तों यदि आप इस अप स्टॉक्स अकाउंट को यूज़ करते हैं तो आपको इसका जो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है उसका 150 रुपये है, यानी दोस्तों इसका 150 रुपये आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है वो पे करना पड़ेगा यदि आप अप स्टॉक्स अकाउंट है इसको यूज़ करते हैं। दोस्तों आपका जो भी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है वो आपका ऑटो डिडक्ट आपके बैंक से नहीं होगा, जो भी आपने इसमें बैंक अकाउंट लिंक किया है उसमें से ऑटोमेटिकली आपका कभी भी डिडक्ट नहीं होगा। रही बात दोस्तों कि आपका किस प्रकार से कटेगा, तो दोस्तों यदि आपका अप स्टॉक्स अकाउंट रहेगा तो अप स्टॉक्स अकाउंट में आपको वॉलेट में बैलेंस है वो माइनस में शो करेगा, यदि आपके पास में पैसा नहीं रहेगा अप स्टॉक्स में वॉलेट में तो आपका माइनस में शो करेगा, और यदि आप उसको माइनस में शो करेगा जब भी आप इसके वॉलेट में पैसा आप लोड करोगे तो आपका वो पैसा है वो कट जाएगा, जो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है वो ऑटोमेटिक कट जाएगा और आपके बैंक अकाउंट से ऑटो डिडक्ट कभी नहीं होगा, ओनली फॉर आपके वॉलेट में से ही आपको पैसा कटवाना होगा। यदि आप इसको यूज़ नहीं करते हैं तो आपका पैसा है वो माइनस में शो कर दिया जाएगा और आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और दोस्तों यदि आप इन फ्यूचर कभी भी आप अप स्टॉक्स अकाउंट को क्लोज करवाना चाहते हैं यानी आप इसको डीएक्टिवेट करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कस्टमर केयर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप appstock.com की वेबसाइट पर जाइए और आपको अप स्टॉक का जो डिस्क्लोजर फॉर्म है वो आपको मिल जाएगा, उसको आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद में दोस्तों उसको फिलअप करके उसको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप इस फॉर्म को सबमिट कर देते हो और आप कस्टमर केयर से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, आप इसको आसानी से आप डिस्क्लोज कर सकते हैं यानी आप अप स्टॉक्स अकाउंट को डीएक्टिवेट करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आपका पैसा माइनस में है तो आपको सबसे पहले उस पैसों को आप जो वापस उनको आपको पे करना पड़ेगा तभी आप इस अकाउंट को डीएक्टिवेट करवा सकते हैं। यानी आपका यदि आपका पैसा माइनस में पड़ा हुआ है, जैसे आपका 150 रुपये माइनस में है, तो आप 150 रुपये का वो पे करके और आप फिर इस अकाउंट को डीएक्टिवेट करवा सकते हैं, अन्यथा आप इसको डीएक्टिवेट नहीं करवा सकते, आपका पैसा माइनस में पड़ा रहेगा और आपका अकाउंट चलता रहेगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आपका डायरेक्टली बैंक से एक रुपया भी आपका नहीं कटने वाला है। जब भी आप इस वॉलेट में पैसा ऐड करोगे, आप इसको यूज़ करोगे आप स्टॉक्स को, तभी आपका पैसा है वो कटने वाला है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इस अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं और ये अभी लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों, क्योंकि पहले आपको आप स्टॉक्स का अकाउंट ओपन करने पर यानी नील चार्जेस था, कोई भी चार्जेस आपको पे नहीं करना पड़ता था, लेकिन लेटेस्ट अपडेट आने के बाद में अब दोस्तों आपको 99 प्लस जीएसटी इसका अकाउंट ओपनिंग चार्जेस कर दिया गया। इन फ्यूचर हो सकता है वापस आपको फ्री में देखने को मिले, लेकिन अभी ये चार्जेस आपको
पे करना पड़ रहा है यदि आप इसमें अकाउंट ओपन कर रहे हो तो। तो दोस्तों आप इसमें अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसका जो अकाउंट ओपनिंग करने का जो भी प्रोसेस है वो हमने इससे पहले भी बना रखा है जो फ्री में है। दोस्तों इसमें कुछ थोड़ा सा फर्क है जिसमें आपको चार्जेस पे करना पड़ रहा है और वो फ्री में है। तो आप उसको भी जाके चेकआउट करके और आप उसको देख के और आप अकाउंट बना सकते हैं आसानी से। इसमें आपको यहाँ पे कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप एपिस्टॉक्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं और एपिस्टॉक्स का जो भी चार्जेस है वो हमने इस वीडियो में आपको बता दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।